छोटी वाली बड़े हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट किंगडम प्लांट। प्लांट के बारे में हमने आज पढ़ना है। इसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, मुझे पता है आप बहुत कुछ जानते हैं। हम थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जाएंगे। किंगडम प्लांट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। इसके अंदर All eukaryotic, मतलब क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स, मतलब के जो क्लोरोफिल जिनके अंदर है, ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसको हम प्लांट्स बोलते हैं, वो प्लांटी के अंदर आएंगे। मतलब एक बात याद रखनी है कि किंगडम प्लांटी के अंदर जो हमें देखने मिलेंगे, जितने भी जो प्लांट्स है यूकैरियोटिक है उसकी बात करेंगे, क्लोरोफिल है, और इसके अलावा वो ऑटोट्रॉपिक है, मतलब कि अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉपिक सच एज द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड पैरासाइट्स। फ्यू मेंबर्स, कुछ ऐसे हैं कि जो थोड़े हेटरोट्रॉपिक है और इंसेक्ट, उसके एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट। यहाँ पे मैंने इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जांपल लिया हुआ है और पैरासाइट का भी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। ब्लैडवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस। ब्लैडवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप जो है वो एग्जांपल है किसके, इसके एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस। ये जो है ये वीनस फ्लाई ट्रैप है जिसके अंदर अगर कोई भी इंसेक्ट आएगा तो ये बंद क्लोज हो जाएंगे, और क्लोज हो जाने के बाद ये उसके अंदर से न्यूट्रिशन लेंगे। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस तो करते ही है। आपको ये भी याद रखना है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो आपको क्वेश्चन होगा, तो फिर क्यों सर ये इंसेक्ट का फूड के तौर पे यूज करते हैं? ये इंसेक्ट का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन नहीं होता है और इनको नाइट्रोजन की बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट से ये प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं और प्रोटीन हमें पता है कि प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए ये इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो इंसेक्ट को मतलब के कवर करके फूड के तौर पे यूज करते हैं, उसके अंदर से नाइट्रोजन एब्सॉर्ब करते हैं जिसका ये यूज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ये समझना है। ये है ये जो ये डेमो जो एक फिगर थी, ये है वीनस फ्लाई ट्रैप एंड अनदर कुस्कुटा इज अ पैरासाइट। यहाँ पे एक येलो प्लांट के ऊपर एक येलो कलर की आपको दिख रहा होगा, ये कुस्कुटा, ये पैरासाइट है। पैरासाइट है मतलब क्या है, आपने स्टैंडर्ड 10 में शायद पढ़ा होगा। पैरासाइट की जब हम बात करते हैं, पैरासाइट क्या करेगा, तो ये टोटल पैरासाइट है, ये येलो दिख रहे हो, और वो क्या करेंगे, तो ये जो प्लांट है, जो ट्री है, ये ट्री के अंदर जाइलम और फ्लोएम के अंदर से रेडी फूड और वाटर एब्सॉर्ब कर ले, तो इसके लिए इसको बोला जाएगा पैरासाइट। ओके, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है कुस्कुटा के अंदर, तो इसके लिए इसको हम बोलते हैं पार्शियल हेटरोट्रॉपिक। ओके दोस्तों, ये किंगडम प्लांटी के बारे में हम थोड़ी बात कर रहे हैं। आगे देखेंगे द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेल्यूलोज। ये यूकैरियोटिक है हमें पता है, और इसके अंदर जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है। वो हम पहले से ही जानते हैं कि प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है। प्लांटी इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसके अंदर हमें पढ़ना है प्लांटी इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये हमें चैप्टर नंबर 3 के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ना है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस, द डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक एंड हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक। इसके अंदर हमें टू डिस्टिंक्ट फेजेस देखने मिलेंगे, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक मतलब के टू एंड हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक मतलब के एन। ये दो स्टेज हमें यहाँ पे देखने मिलेंगे, द अल्टरनेट विद ईच अदर। The length of the haploid and diploid phase
and whether these phase are free living or dependent on others. Vary among different group in plant, the phenomenon is called alternation of generation. इसके अंदर सिंपल वर्ड्स में हम बोलेंगे, इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर बहुत डिस्कस करेंगे. आप डिप्लॉइड और हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक जो है वो फेज हमें अल्टरनेट देखने मिलेंगे, इसके लिए इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहा जाता है. तो ये जो हमने बात की है वो है किंगडम प्लांटिंग.